Go ahead. Put it on the voltage. Connect red and black wire to the pair and the green to the guard. Identify the pairs. And connect green to the guard, this mesh insulation. Then after connection, voltage between A to E, B to E, and all three leads. This is DC voltage. If you want AC, so again A to E. So the second test is stress test. The acceptable limits are this. Acceptable limits are 20 dB. The acceptable criteria. That's the acceptable criteria. That's done. Yeah, that's done. तो देखा नहीं है अभी तो स्ट्रेस हो गया. स्ट्रेस इज ओके. देन वी स्विच टू लीकेज. इसमें डायरेक्ट किया जाए. No resistance by A to E is greater than 100 ohm. इसमें ये चेंज करना पड़ेगा ना अपने को. कंपेंसेट करेंगे, देख लीजिए. ओम्स आ जाएगा. एफएन करेंगे तो सर, एफएन करेंगे तो ओम्स आ जाएगा. वन के करेंगे पुलिस को सिलेक्ट करके. चार नंबर नहीं, चार नंबर फोर नंबर करेंगे तो वन के. सो वन के पे हमारा अप टू वन मेगा ओम होना चाहिए. तो हमारा ये आ रहा है. देन सिमिलरली ये दबा के फाइव नंबर, ये हंड्रेड होना चाहिए. हंड्रेड आ रहा है. देन अगेन सिक्स हंड्रेड के. सो ग्रेटर देन. So you're pressing 4, 5 and 6. Yes. Basically, we're pressing this, F4. And from here, 4 for 1K. F4 is 4, 4, 5, 6 is giving us a selection. But which one do you want to do? But we don't need to use that. No, we can just do 4, 5, 6 over here. F4 corresponding to the, corresponding to the this. Like if we want 1K test. 1K test. ये तो तीनों वैल्यूज को एक्सीड कर रहा है, तो व्हिच मींस इट इज इन एनी केस एक्सीडिंग 999 मेगा ओम्स, राइट? ओके, सो दिस इज बेसिकली द इंटीग्रिटी टेस्ट. इंटीग्रिटी लीकेज टेस्ट. दैट मींस देयर इज नो लीकेज. देयर इज नो लीकेज बिकॉज़ इफ द रेजिस्टेंस इज हाई देन देयर वुडंट बी एनी लीकेज. या राइट, वी कैन स्विच फ्रॉम रेजिस्टेंस टू लीकेज बाय प्रेसिंग Fn. लेट्स डू दैट. सो वी आर गोइंग फ्रॉम रेजिस्टेंस टू लीकेज. In leakage only this function was there. ठीक है, good. आगे चलें. Now we're doing the length test based on capacitance. For the length test, we take a known sample, say 10 or 12 meters of the wire, to be able to calibrate to the correct length. And then we keep the wire match the capacitance value to get the correct length. We are connecting the test pair again, and we keep the earth open. Yeah, earth.
or we connect the earth as well. Okay. While doing the capacitance test, in the beginning, absolute beginning, you have to adjust the microfarad per kilometer value until the same length is displayed as is the length of the cable, the reference cable. In our case, and the lower section A to E, B to E, 3 leader setup, none of them should be selected, and it should show A to B on the top, then only you will be able to do it correctly. Let's go forward. अब इसमें होता क्या है सर, हमारा ना ये 0.055 है, ठीक है, अब ये इसमें आ रही है वैल्यू 10.5। अगर मैं एक भी पॉइंट बढ़ाता हूँ, 5-6 किया, तो ये वैल्यू का डिफरेंस आया 10 पॉइंट। अपनी वायर है कितनी? हमारी है 10.6 है ना, 10.6 है। एडजस्ट करो, मैं इसको अगर 5.5 आ गया, 0.055 और थोड़ा कम करता हूँ तो 10.7 ये। सो इज दैट सेंसिटिव? अगर हम बड़ी वाली केबल की करेंगे तो इस डिजिट में पहुँच जाता है। दिस इज मोर लेस ओके ना, आवर केबल इज 10.6, सो व्हिच मींस आवर वैल्यू शुड बी 0.054 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर। सो वी ओके टू गो ना? हाँ, अभी इस पे दूसरे पे करेंगे। इसको सेट कैसे करेंगे? वही सेट हो गई सर। ओके, सो वी जस्ट नो द वैल्यू 0.054 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर। सो नाउ वी कैन टेस्ट यूजिंग द कैपेसिटेंस मीटर एट दिस माइक्रोफैरड पर किलोमीटर वैल्यू ऑन द एक्चुअल केबल। शैल वी? यस। तो इसको कनेक्ट कर देंगे बड़े वाली केबल को। नाउ वी टेक इट ऑफ द रेफरेंस पेन। Connect to the actual cable. एक कॉपी ले लेना। ग्रीन ऑफ व्हाइट की रेड एंड ब्लैक की प्रॉब्लम है। तो दोनों पे करना है ना, वही तो दिखाना है। दोनों पर दिखाना है। एक एंड से बताएगा सही, रेड एंड व्हाइट ब्लैक। वो कर दिया हर थिंग इरा। हर थिंग वही है सर। एक वायर हो सकता है टूट गया हो बीच में। हमने अभी फिर से चेक कनेक्ट कर दिया टू अ केबल व्हिच इज हाउ लॉन्ग, 141.72 मीटर्स केबल को हमने कनेक्ट कर दिया, लेकिन द रीडिंग इज कमिंग एज 136.2 व्हिच हैज अ रीजन। कैरी ऑन। अब ये रेड एंड ब्लैक क्या है, इसको हम चेंज करना है ग्रीन टू वाइट, बिकॉज वी फील देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेयर। प्रोबेबली देयर इज अ वायर ब्रोकन इन द मिडल व्हिच इज कॉजिंग अ रिड्यूस्ड वैल्यू इंस्टेड ऑफ 141 142 मीटर्स। वी स्विच द पेयर। आफ्टर स्विचिंग टू अ न्यू पेयर वी गेट द करेक्ट वैल्यू 140.7 meters, which is in line with the 141 meter cable length. So it's important to not believe that the wire has full continuity. There could be strands on the wire, especially if it is not a single core, it is a multi-strand wire, and you could have breaks in the wire which might be causing an erroneous reading. For confirmation, do other end se bhi agar main ek baar test kar sakta hu. We're getting the right value now. Okay. Next is the TDR test. So if you notice, you are going in. If you're going in sequence from volts to stress to leakage to length to TDR. Red and ग्रीन व्हाइट लगाते हैं ना सर, ग्रीन व्हाइट। इससे क्या है कि ये हमारी सही मान, ये हमारा राइट पेयर है, इससे वीपी सेट करेंगे पहले। ठीक, बिकॉज़ वी नो रेड एंड ब्लैक पेयर इज नॉट ओके, वी कनेक्टिंग टू द व्हाइट एंड ग्रीन पेयर। आप रेड में लगा रहे हैं? अच्छा सर जी, ग्रीन जी सर।
Okay, so before doing the TDR, we check the length again. 140.6. That's fine, correct. So we switch to the TDR. ये है अच्छा मोर केबल करना ना मोर केबल F4 ये आएगा ना मोर केबल F4 ये आएगा ना 6 कैसे जाएगा सर 6 एकड़ से स्लो जा रहा दबा कर रखिए आ नहीं रहा नहीं ये तो ऊपर जा रहा है एक मिनट एडजस्ट गेन में आ गया ना ये एडजस्ट गेन में क्यों आ गया चार्ट नंबर वीपी नहीं गेन तो ठीक है अपने को तो मूव करना कर्सर मूव करना सर छह का अभी 5 मीटर तक आया बता रहा है नहीं नहीं 5 मीटर नहीं नहीं अभी मैं ये कर रहा ये एडजस्ट गेन वाला फंक्शन काम कर रहा है कुछ अब आया ना देखो अब आ गया वो भी नहीं कर रहा था अब ये मैंने So we do not have to adjust our VPN. Yes. तीन नंबर से zoom. ये zoom हो गया. Zoom हो जाएगा. नहीं sir VPN अभी करेंगे. अभी जरूरत नहीं पड़ी इत्तेफाक से. तो अभी आपका 140 मीटर दिखा रहा है. हाँ 140 मीटर दिखा रहा है. अगर हमें VPN एडजस्ट करनी है तो F2 में जाएंगे. और यहाँ पे VP पे लेके आएंगे 4 नंबर और इसको फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे 142 ये आ गया 142 आ गया हाँ 142 कितना हमने VP सेट किया 0.66 किस बेसिस पे सेट किया टू मैच द मीटरेज ना ओके बट शुड वी हैव डन दैट विद द 10-12 मीटर केबल नहीं बेस्ट ज़्यादा लंबी पेयर से करेंगे ज़्यादा अच्छा है नहीं बट हमें कैसे पता कि ठीक है गलत है अभी इन दोनों में हमने टेस्ट किया था ना इस वजह से ये तो आप एडजस्ट कर रहे हो ऑन एन अजम्पशन बट सपोज यू डिड नॉट नो द केबल देन यू वुड हैव टू पुट द वीपी टू गेट द राइट लेंथ करेक्ट केबल पे करना है सो दिस इज शोइंग अस एन ओपन राइट नाउ राइट यस इट इज यस एंड वी जस्ट हैव टू ब्रिंग इट टू द एब्सोल्यूट बिगिनिंग ऑफ द कर्व सो the readings are kind of matching of the capacitance as well as the TPR. अभी दूसरी वाले में केबल में फ्री नाउ लेट्स जस्ट चेंज द पेयर टू द रेड एंड ब्लैक पेयर जिसमें खराबी है इस वाले में चेक करना इसको नीचे गिरा है दूसरा चेंज टू द एरोनियस पेयर व्हिच इज द रेड एंड ब्लैक पेयर सो व्हाइल वी गेटिंग द लेंथ करेक्टली द शेप ऑफ द वेव फॉर्म हैज बिकम जैगेड इट्स नॉट अ क्लीन वेव फॉर्म Which means there's something wrong. क्योंकि ये ऐसे जाएगा ट्रेंड अब फिर अभी हम अगर उसको शॉर्ट करेंगे दूसरी साइड पे शॉर्ट करेंगे लेंथ चेक कर लीजिए ये एग्जैक्ट यहाँ पे ना डिप होकर कि इधर यहाँ डिप होगा सर कहीं पे आगे जाएगा लेंथ चेक करेंगे नहीं लेंथ तो चेक हो रही है दिखा आप उधर शॉर्ट करना जरा के जगह रेड एंड ब्लैक को ये ऊपर क्यों जाता है नीचे गिर गया ना ठीक है तो ठीक है शॉर्टिंग पे बिल्कुल क्लियर वेव फॉर्म चेंज हुआ है लेकिन अगेन इज जैगेड समथिंग रॉन्ग विद द पेयर ओके हाउ कैन वी जूम थ्री नंबर जूम तो ये है 3 नंबर से जस्ट प्रेस 3 नंबर टू जूम इस तरह से जूम हो गया फ्लैट नहीं वो फ्लैट तो होगा Now we come to the next test, which is RFL. In RFL, we are using one main pair and one test pair.
So two pairs have to be tested together, for which the second pair of wires, which is basically blue yellow, needs to be connected. So in the RFL, you're going to have various situations. You have to choose the right option after making the connection. So you might have two good conductors, or you might have one good conductor, or you might have two bad conductors. So you have to choose it from the various options over here. ये फर्स्ट सिचुएशन है कि आप एक बैड कंडक्टर है विच इज शॉर्ट इन बिटवीन एक बैड कंडक्टर सो वी गुड कंडक्टर्स वी टेक ए गुड वन बैड कंडक्टर एंड डू ए कनेक्शन लाइक दिस ऑन द लीडिंग एंड फॉर द गुड कंडक्टर ब्लू एंड येलो कनेक्शन एंड फॉर द बैड रेड एंड ब्लैक एंड ऑन द फार एंड द गुड कंडक्टर has to be shorted. Shorted with the bad one lead of the bad conductor. And you keep one open. One open. Okay. The other situation is you have a three pairs. Okay. One is the good pair, and the two pairs are short with each other. So you have one good pair. One good pair. This one. And these two pairs are short in between. Okay, fine. Pair one is short with the pair two. Okay. The third situation is the earth. It is short with the ground. It is ground fault. So you take a good conductor. One is good conductor. The other pair is short with the ground. So in this you actually have one good conductor and then you have one conductor of the second pair, which is also connected. And that you connect to red and then you ground it. All three of them are grounded. No, it is short. So shorted. Ground fault है. ये आपका. Okay. Fine. The third is ground fault as well as short. You change these seven. You have again three pair. I'm just changing with the six. Okay. Six and four. Please, it's left, right arrow, left arrow. Perfect. Like. So here again, you have a three pair. One pair, second and third. So first pair is healthy pair. The second and third are short each other, and also the third pair is ground fault. So we basically choose and then press our start button, which is F1, and start our testing, whichever method we want to use. Okay. Then again, this is only ground fault, right? The resistance remains same, only type of copper say meter mein jo distance hai wo change ho jayega. If we use an incorrect gauge, so the meter value will be wrong. But right now, for example, we're using 24 AWG, so we have to change it using. How do we change it? Ye yahan pe jaye pehle meters mein ya setup mein jaake, then you can click here. So yahan pe ye change ho jayega. We have to change the cable type, huh? So when we immediately switch to 24 AWG, then immediately we will get switch to 24 AWG, which is the wire under test. But every time, see here, it is 11.94. अगर मैं इसको change कर लेता हूँ किसी और value में. That's because it's connected to AWG ना. कि आपकी ohmage value. Yes sir. Ohmage value रहेगी. जितना थिकर या थिनर वायर होगी, मतलब टोटल वैल्यू दिखा रहा है ना ये वायर की, उसको पर यूनिट लेंथ नहीं दिखा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस दिखा रहा है. आई गॉट इट. उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. सो वी हैव टू साइकिल थ्रू द केबल ऑप्शंस टू कम टू आवर केबल. लेट्स कम बैक टू 24 AWG. एंड वी गेट द राइट वैल्यू. This is our cable, 24 AWG, and we did the change from pressing this button. Resistance. हमने केबल कहाँ से चेंज कर सकते हैं? कौन से बटन को दबा के? Yeah, this up and down. ठीक. Okay. Man, going into the setup. So
in the RFL. Back to this option. We come to the, if you have a single test pair, we come to the last option, which is this, and you basically short the pair on the other end. And setup mein jaakar pehle isko. Yeah, we start just to start. Is resting. In terms of meter, if we see, it is 138 meter. Perfect. DC, ये हमें कल AC voltage test. All the tests, one can go to auto test and set all the values which are the pass and fail criteria. Pass and fail criteria values. So that when you test, you simply get to know whether it's passed or failed. So this can be fully customized in auto test. Is to find out the loop resistor. If we have multi-strand wire, then we might not be able to go on TDR, or we might not be able to go on capacitance. Capacitance is the least effective method. TDR is the second best method, and in case we have multi-strand wire, then ohmic is the best method, for which we have to first look at the connection. So on the leading end, you have to get red and black to the pair, and the green will to the guard. Okay. Green will be taken. 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 Green will यही है ना जी यही ये लग जाएगा ना आपको जी ओके कनेक्टेड अदर एंड इज शॉर्टेड एंड वी ऑन द अदर सेट अदर एंड फॉर एंड बोथ पेयर विल बी शॉर्ट बोथ पेयर नॉट ओनली द पेयर व्हिच इज कन द अदर द पेयर व्हिच इज कनेक्टेड इज शॉर्ट Test pair under test on the other side is shorted. Yeah, test pair is shorted. And then we bring it to leakage. Then we bring to ohmic. Ohmic. And then in ohmic we just resetting it. So we bring it to ohms. Ohms. If it is a selection between leakage and ohms, otherwise you can change it with the function key. This gives you loop resistance. The loop resistance, and then you use the loop resistance to then look at the AWG chart to be able to calculate the 23.7. No, then we find out the single wire resistance with the help of that formula. With the formula, which we have together.